देखिए क्या रहा है, लेट यहाँ पे एक ऑपरेशन दिया, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू बेस जीरो, इसका मतलब क्या है, ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर डिफाइन बाई ए ऑपरेशन बी। कैसे डिफाइन हो रहा है, ए बी बाई बी, इन दोनों के प्रोडक्ट में टू से डिवाइड कर देते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर, सो डैट ये जो ऑपरेशन दिया है, ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है, दोनों हमें प्रूव करना है। तो पहले इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए बात करते हैं फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव पहले हम लोग कम्यूटेटिव के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, हमें दिखाना होगा ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में बी ऑपरेशन ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए तो हम लोग इसका एलएचएस लेते हैं, एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी कैसे डिफाइन, इन दोनों को प्रोडक्ट को टू से डिवाइड कर देना है। आरएचएस लीजिए, आरएचएस में है आपका बी ऑपरेशन ए, तो ये कैसे डिफाइन होगा, बी ए बाई टू से, तो हम लोग इसे चाहें तो ए बी बाई टू भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटू बी बी इंटू ए के लिए बराबर होगा फॉर ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि रेशनल नंबर का प्रोडक्ट, नॉन जीरो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो यहाँ से हो जाएगा, ऐसे लिख दिया, तो ये दोनों तो सेम ही हो गए ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इक्वल है बी ऑपरेशन ए, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ऑपरेशन जो हमारे पास यहाँ हो रहा है, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए अब एसोसिएटिव की बात करते हैं, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं, तो हम लोग दिखाएंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होना चाहिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। चलिए एलएचएस लेते हैं, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इन दोनों के बीच का ऑपरेशन ए बी बाई टू हो जाएगा और फिर ऑपरेशन सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बाई टू इंटू सी बाई टू, यानी कि हो जाएगा यहाँ से ए बी सी बाई फोर। आर एच एस लेते हैं, आर एच एस में आपका ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो पहले बी और सी के बीच का ऑपरेशन करो, तो बी सी बाई टू, अब इन दोनों के बीच का ऑपरेशन करो तो ए इंटू बी सी बाई टू बाई टू, दोनों को इंटू करके टू से डिवाइड कर दिए, तो ए बी सी बाई फोर हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आ गया ना। तो हम देख रहे हैं कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर। देयरफॉर जो हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ऑन नॉन जीरो रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है, सेकेंड नंबर में कह रहा है, तो लेट ई मान लेते हैं, ई बिलोंग्स टू नॉन जीरो रेशनल नंबर विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ गिवेन ऑपरेशन, गिवेन ऑपरेशन के लिए ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जब ये आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ ऑपरेशन कर दो ए का, या ए के साथ इसी का करो ऑपरेशन, ठीक है, ए के साथ इसका ऑपरेशन करो ई का, या ई के साथ ऑपरेशन करो ए का, हमें ए ही मिलना चाहिए, फॉर ऑल ए किससे बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर से। तो ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन ए इक्वल टू में ए, तो यहां से आप सॉल्व करो, ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो दोनों के प्रोडक्ट में हम लोग टू से डिवाइड कर देंगे, यहां भी उसी तरह से। चलिए तो अब देखिए यहां से सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो, ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा तो टू ए बाई ए हो जाएगा, कट जाएगा ई का वैल्यू, यहाँ टू आएगा, यहाँ भी ई का वैल्यू टू ए बाई ए, यानी कट के ई का वैल्यू टू आ जाएगा, तो यही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ, टू जो हुआ क्या हुआ, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट जो हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट वह क्या आ गया, आपका टू आ गया। आप क्या निकाला है, फाइंड द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो हम लोग ले लेते हैं कि लेट बी
belongs to non-zero rational number with the inverse of A belongs to non-zero rational number. ठीक है, हम लोग मान लेते कि B आपका इनवर्स है A का, तो अगर हम लोग A के साथ B का ऑपरेशन करें, सॉरी यह ऑपरेशन O से डिफाइंड है ना, या B के साथ A का ऑपरेशन करें, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए. तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 2 है यहाँ पर. ठीक है, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 2 है. तो अब यहाँ पे कह सकते हो कि A ऑपरेशन B इक्वल टू 2 और B ऑपरेशन A इक्वल टू 2. तो यहाँ से इन दोनों का ऑपरेशन ए बी बाई 2 और यहाँ पे बी ए बाई 2. तो अब यहाँ से अगर मैं कहूँ कि b का वैल्यू निकालो, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 बाई ए, यहाँ से भी वही आ जाएगा 4 बाई ए. तो देयर फोर हम लोग कह सकते हैं कि यही ना आपका इनवर्स होगा. तो यानी कि इनवर्स ऑफ a क्या आ गया, 4 बाई ए आ गया. समझ गए. और आपको पता ही है कि फॉर ऑल a किसके बिलोंग करेगा, नॉन जीरो रेशनल नंबर से. अगला क्वेश्चन.